भाई सच में दी तो मजेदार काम कर लिया हमने, बहुत सही काम। हाँ वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ लिविंग इन द माउंटेन्स। सो आज हम लोग अचानक से जीपी में बैठे बैठे ऐसे ही प्लान बना कि यार शोजा होके आते हैं, बिकॉज आई हैव नेवर बीन देयर। एंड मेरी एक फॉलोअर मिल गई मुझे जो कि शोजा ही जा रही थी, तो वी थॉट कि यार मे बी ये ऊपर वाले का इशारा है। तो हमने बस एक बैग पैक किया और बस उसके साथ ही एक कैब में बैठ के निकल पड़े शोजा के लिए। मैं पहली बार जा रही थी तो रास्ते देख के तो मुझे उम्मीद थी कि यार हाँ हिल टॉप पे कुछ तो होगा, बट ऊपर जाके इतनी सुंदर जगह होगी, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। गाइस हम लोग ने चेक इन कर लिया है अपने शोजा वाली प्रॉपर्टी पे। वी आर स्टेइंग एट, अब जो इसका नाम हो जाएगा वो जॉस्टल शोजा है, बट पहले था मेरेला। एंड दिस इज द गेट, एंड वंस वी एंटर दिस इज आवर 6-bed डॉर्म। सब फ्रेंड्स ही रह रहे हम लोग, बट दिस इज माय बेड, दैट्स माय लॉकर, एंड द बेस्ट थिंग आई विल शो यू ऑल्सो दिस इज द वॉशरूम। कोई गया हुआ है वरना मैं दिखा देती। दिस इज द व्यू फ्रॉम द रूम, यू हैव अ प्राइवेट बालकनी एंड ऑल। क्या मस्ती आ रहा है, देख रहे हो? आई थॉट कि सनसेट दिख जाएगा, बट आज थोड़ा क्लाउडी था तो सनसेट तो नहीं दिखा हमें, बट फिर भी मतलब काफ़ी अच्छी स्काई है, मतलब बहुत ही ऐसे हेजी सा, वेरी ब्यूटीफुल कलर्स और इतना पीसफुल है। व्हाई वाज आई इवन स्टेइंग इन शोजा, आई शुड हैव जस्ट कम हियर, दिस इज सो प्रिटी। या कुछ भी बोलो, पहाड़ों की मॉर्निंग्स इतनी स्वाद होती है ना कि यहाँ पे हम लोग सुबह सुबह उठे, वी वर ऑल रीडिंग, राइटिंग, वॉकिंग, एंड मैंने मस्त एक हॉट चॉकलेट ऑर्डर किया इंस्टेड ऑफ चाय या फॉर अ चेंज। एंड बाकी मैंने देखा बहुत सारे लोग सुबह सुबह या गेम्स वगैरह खेलने लगे थे, वैसे मेरे लिए सुबह थी, बाकी की दोपहर हो रही थी, आई थिंक ये 12-1 बज रहे थे दिन के। बट इफ यू आर इन शोजा डेफिनेटली कम टू घर 1964, विच इज़ लाइक एन एपिक प्लेस। गाइस अनदर डे इन शोजा, हम लोग आज जाने वाले थे वापस पर हमने एक्सटेंड करा लिया बिकॉज बहुत ही पीसफुल है, और आज मुझे सुबह से बहुत ही लेजी फील हो रहा था, मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं रही हूँ, एंड आई एम जस्ट हेयर। पहले मैं घर में थी, कैफे घर 64 समथिंग, आई फॉरगॉट द नेम, आई राइट इट हियर। एंड वहाँ पे भी मैं 2 घंटे सोई हूँ, मैंने खाया, देन वी केम टू दिस ढाबा काइंड ऑफ अ प्लेस जो हमें यहाँ पे 2 फ्रेंड्स बन गए थे उनके साथ आए, एंड यहाँ पे भी मैं लेटी हूँ बिकॉज आई डोंट फील वेल, मे बी बिकॉज यहाँ पे बहुत दिन बाद सुकून मिला है, तो माई माइंड एंड माई बॉडी जस्ट वॉन्ट्स टू रिलैक्स, आई एम नॉट रशिंग एनीवेयर। अदरवाइज हम लोग रघुपुर फोर्ट जाने वाले थे फॉर स्टार गेजिंग, मे बी विल गो देयर टुमारो, लेट्स सी। और सनसेट टाइम होते ही हम लोग निकल पड़े कुछ क्रिएटिव फ्रेंड्स के साथ टू शूट अराउंड, बिकॉज कल तो सनसेट हुआ नहीं था, बट आज लकीली लुक व्हाट वी सॉ। भाई इसको खींच दे यार, ये बेचारा सोलो ट्रैवलर अपनी खुद की फोटो खींच रहा है। उसके बाद वी केम बैक टू घर 1964, बिकॉज यहाँ पे ना सब लोग अपना बचपना दोबारा से जीते हैं। एवरी वन कोई क्ले से कुछ बना रहा होता है, कोई पेंटिंग कर रहा होता है, कोई अपने गाने लिख रहा होता है, एवरी वन गेट्स सो क्रिएटिव इन शोजा। जो मैंने हाइप सुनी थी इसके बारे में, इट वॉज एक्चुअली ट्रू। यहाँ पे बैठ के मैंने सालों बाद पेंटिंग करी, आई हैव नो आइडिया मैंने क्या बनाया, बहुत ही फालतू सी पेंटिंग थी, बट इट फेल्ट सो गुड बिकॉज देर वॉज नो जजमेंट, एवरी वन वॉज डूइंग व्हाटएवर दे वॉन्टेड टू डू, एंड इट फेल्ट लाइक आई हैव कम बैक टू माई चाइल्डहुड। पता नहीं क्या कर कुछ तो है। आई वॉन्टेड इट टू बी अ फील ऑफ फ्लावर्स, बट ये खून की नदी हो गई थोड़ा। आई कैन मेक फ्लावर्स इस पे कुछ करके, राइट? मैं वही कर रही थी, बट इसका ब्रश इज वेरी, यू कैन टेक अ ब्रश। जज मत करना, बट दिस इज व्हाट आई मेड, थोड़ा गड़बड़ हो गया, बट आई एम स्टिल प्राउड ऑफ इट। इफ यू एवर गो टू जिमी, डू ट्राई ब्ली ब्लू का हॉट कॉफी विद हॉट चॉकलेट, दे हैव ब्ली ब्लू,
It's more on the darker side and it's very good. I don't like hot chocolate in general, but I was like, why this is so good? Yeah. Why? Because earlier I had hot chocolate somewhere, I don't remember. हमने कैब करी थी और कैब की जगह हमें मिला है जो भी मिला है, बट आई रियली लाइक इट बेटर देन अ कैब, है ना आरुधि? एब्सोल्युटली यस। धूम मचा ले। मजेदार काम कर दिया हमने, बहुत सही काम। हाँ, भेड़ बकरी जैसे जा रहे लगते।